सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ लेसन नंबर 3, क्लास 6, इपैक्ट विथ द सन। हनी सकल का नहीं है, इपैक्ट विद द सन का चैप्टर है लेसन नंबर 3। लेसन नंबर 2 मैंने आपको रीड करवा दिया था, हालांकि क्वेश्चन आंसर इसके हो चुके हैं। अगर जिन बच्चों के नहीं हुए हैं और वो चाहते हैं कि मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊँ तो मुझे इनबॉक्स में लिख के भेज दीजिएगा, तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स करवा दूँगी। अब मैं लेसन नंबर 3 आपको रीड करके सुना रही हूँ और उसकी मीनिंग बताऊँगी आपको। आप ध्यानपूर्वक मेरी पढ़ना चैप्टर को, जिसके पास बुक नहीं है वो ये इसमें से वीडियो में से भी पढ़ सकता है। ओके, लेसन नंबर 3 है द शेपर्ड्स ट्रेजर। ए पुअर शेपर्ड्स वंस लिव्ड इन ईरान, दो अनएजुकेटेड ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल, द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गाइस। तो एक पुअर चराहा था, मतलब शेपर्ड, भेड़ चराने वाला, जो ईरान में रहता था। हालांकि वो पढ़ा लिखा नहीं था, अनएजुकेटेड था, लेकिन वो समझदार और मददगार था। जो राजा था उसको बहुत जिज्ञासा थी इससे मिलने की, इस आदमी से, तो वो उससे मिलने के लिए जाता है। इन ए विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड ए शेपर्ड। ओके, एक भेड़ चराने वाला ईरान के एक गांव में, एक समय की बात है, ईरान के एक गांव में एक भेड़ चराने वाला रहता था। ही वॉज़ वेरी पुअर, वो बहुत ज़्यादा गरीब था। ही डिड नॉट हैव इवन ए स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन, यहाँ हालांकि इतना गरीब था कि उसके पास खुद की एक झोपड़ी भी नहीं थी। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट, फॉर देयर वेयर वेरी फ्यू स्कूल इन दोज डे। वो कभी भी स्कूल नहीं गया था, ना ही उसने कभी पढ़ाई की थी, ना उस वो पढ़ा था, ना वो लिखना सीखा था, क्योंकि उस समय बहुत ही कम स्कूल हुआ करते थे। दो पुअर एंड अनएजुकेटेड, हालांकि वो गरीब और अनपढ़ था, दिस शेपर्ड वॉज वेरी वाइज, लेकिन ये भेड़ चराने वाला बहुत ही ज़्यादा चतुर था। ही अंडरस्टूड पीपल्स सॉरो एंड ट्रबल्स, ये वो लोगों के दुख और तकलीफ़ें समझता था। एंड हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम विथ करेज एंड कॉमन सेंस, और उनकी मदद करता था ताकि वो इन मुश्किलों का धैर्यपूर्वक और समझदारी से सामना कर सकें। मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस, कई लोग उसके पास आते थे उसकी सलाह लेने के लिए। सून ही बिकम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर, और बहुत ही जल्द वो अपनी समझदारी और दोस्ताना नेचर की वजह से, स्वभाव की वजह से मशहूर हो गया। द किंग ऑफ डेट कंट्री हर्ड अबाउट हिम एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम, जो वहाँ का राजा था उस देश का, उसने उसके बारे में सुना और उसके साथ मीटिंग लेने की सोची। डिस्गाइज्ड एज ए शेपर्ड एंड राइडिंग ऑन ए म्यूल, वन डे द किंग केम टू द केव वेयर द वाइज, हालांकि वो एक मतलब भेड़ चराने वाला था जो कि एक खच्चर पे बैठ के जाता होता था, लेकिन एक दिन राजा ने सोचा कि मैं उस चतुर शेपर्ड के पास जाऊं, जहाँ पे वो रहता है वहाँ पे जाऊं। एज सून एज द शेपर्ड सॉ द ट्रैवलर कमिंग टूअर्ड द केव, ही रोज टू वेलकम हिम। जैसे ही जो चारा वो शेपर्ड था, उसने देखा कि कोई ट्रैवलर आ रहा है, कोई यात्री आ रहा है मेरी गुफा की तरफ, तो वो खड़ा होके उसका वेलकम करने लग गया। ही टुक द टायर्ड ट्रैवलर इनसाइड द केव, गेव हिम वाटर टू ड्रिंक एंड शेयर ऑफ हिज ओन माइग मील। अच्छा, अब वो क्या करता है, वहाँ उनका वेलकम करने जाता है। वो जो थका हुआ यात्री होता है उसको गुफा के अंदर लेके जाता है, उसे पानी देता है, और जो खाना वो खा रहा होता है उस अपना उसका खुद का खाना जो होता है वो उसके साथ शेयर करता है, बांटता है। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेपर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड वाइस कन्वर्सेशन। जो राजा होता है वो एक रात उस गुफा में रहता है, उसके साथ वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है शेपर्ड्स की हॉस्पिटैलिटी, मतलब सेवा भावना, सेवा जो वो करता है ना, उससे वो बहुत ज़्यादा मतलब इम्प्रेस हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। और साथ में जो सारी रात वो जो शेपर्ड के पास राजा बैठा रहता है, तो वो उससे जो बातें करता है, कन्वर्सेशन, जो उनकी समझदारी वाली बातें होती हैं उसकी जी, तो वो शेपर्ड की समझदारी वाली बातें इसे अच्छी लगती हैं। द शेपर्ड वॉज एबल टू मेक आउट डैट हिज विजिटर वॉज नन अदर देन द किंग।
शेपर्ड अंदाजा लगा गया कि ये राजा था। द किंग मेड द वॉइस शेपर्ड गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। जो राजा था उसने उसको ये मतलब आगे के जो पैरा है उसमें आपको आएगा। जो राजा होता है वो शेपर्ड को गवर्नर बनाते थे एक छोटे से जिले का। अदर बिकम जिलस ऑफ द न्यू गवर्नर कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट। और दूसरे जो गवर्नर होते हैं उससे जलते हैं। तो आगे की स्टोरी अब मैं आपको बताती हूँ। Though still tired, the king decided to depart the next morning. He said, "Many thanks for your kindness to a poor traveler. I have a long way to go. Permit me to leave." हालांकि राजा बहुत थका हुआ था लेकिन वो फिर भी इजाज़त लेता है। दूसरी सुबह को उठ के भी उससे कहता है कि बहुत बहुत धन्यवाद तेरी नेकी के लिए जो तूने मेरे जैसे गरीब यात्री की इतनी मदद की। मुझे बहुत लंबा सफ़र तय करना है तो इजाज़त दो मैं जाऊँ। Looking straight into the eyes of his guest, the shepherd replied, "Thank you, Your Majesty, for paying me the compliment of a visit." राजा की आंखों सीधा और राजा की आंखों में देखता है और देख जो शेपर्ड है वो रिप्लाई करता है जवाब देता है कहता है धन्यवाद राजा जी जो आप मेरे यहाँ पे आए। The king was astonished as well as pleased. He is indeed very wise. He thought to himself, "I need people like him to work for me." And the king appointed this humble shepherd the governor of a small district. The king was astonished as well as pleased. वो आश्चर्यचकित रह गए और उसके अलावा खुश हो गए। खुशी भी आश्चर्य भी ये इंसान मेरे को पहचान भी गया ये कितना इंटेलिजेंट इंसान है जो मुझे पहचान गया भी मैं राजा हूँ गरीब ट्रैवलर नहीं हूँ। वो मन ही मन सोचता है और वो कहता है कि ऐसे लोगों की ज़रूरत मुझे है जो मेरे लिए काम करें ऐसे चालाक लोगों की ज़रूरत है। तो जो राजा होता है वो उसे क्या बोलते हैं एक छोटे से जिले का गवर्नर बना देता है। Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. हालांकि उसके पास बहुत सारी ताकत हो जाती है लेकिन फिर भी जो शेपर्ड था वो लोगों के साथ वैसे ही हम्बल प्यार से रहता था जैसे पहले था। People loved and honored him for his wisdom, sympathy and goodness. लोग उसकी बहुत ज़्यादा मतलब इज्जत करते थे प्यार करते थे उसकी चालाकी चतुरता के लिए जो लोगों के साथ उसे दया भावना थी सिंपति रखता था उसके अलावा जितना वो नेक था उसके लिए लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल। वो हर किसी के लिए एक था न उसके लिए ना कोई छोटा था ना कोई बड़ा था सबके वो एक ही मन से सेवा भावना करता था। हिज फेम एज ए फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री। और इस तरह उसका जो नाम था वो सारे देश में पूरे कंट्री में फैल गया भाई ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा गवर्नर है और चतुर गवर्नर है। Now the governor of the other provision grew terribly jealous of him and began to talk the king against him. They said he is very dishonest and keep for himself part of the money that he collects as tax for the people. Why did he always carry with him, they added, an iron chest? Perhaps he carried in it the treasure that he had secretly collected. Okay. अब मैं आपको यहाँ तक ये पैराग्राफ समझाती हूँ। अब जो दूसरे गवर्नर थे जैसे जैसे इसकी प्रसिद्धि होती गई लोग इसे पसंद करने लग गए। जो दूसरे गवर्नर थे दूसरे जिलों के राजा थे वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से इसे जलने लग गए। वो इसके बारे में राजा को बुरा भला कहने लग गए। वो कहते हैं भाई ये डिसऑनेस्ट है मतलब ये लॉयल नहीं है ये क्या बोलते हैं जो टैक्स कलेक्ट होता है जो आप टैक्स कर लेते हो लोगों से उसमें से ये पैसा अपने लिए छुपा के अलग से रख लेता है। वो कहते हैं कि ये क्यों हमेशा अपने साथ एक आयरन चेस्ट को रखता है अपने साथ वो क्यों लेके घूमता है। परहैप्स ही कैरियड इन द अब वो कहते हैं कि जो आयरन चेस्ट इसने अपने पास रखी है उसके अंदर को इसका उस छुपा हुआ खजाना है जो ये जो टैक्स आता है उसमें से जो टैक्स की जो पैसा है उसमें से ये छुपा छुपा के जो पैसा है इस आयरन चेस्ट के अंदर रखता है। अब बाकी का चैप्टर जो है वो मैं आपको कल रीड करवाऊंगी। थैंक्स डेट्स ऑल फॉर टुडे।